So dear students, we are on exercise 9.4, which is based on multiplication. Earlier we have done the multiplication with monomial to binomial, monomial to monomonomial, monomial to trinomial. These are kind of question. जहाँ पर आप जिस भी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें एक टर्म मोनोमियल फिक्स था, बाकी वाले जो टर्म होते थे वो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल कुछ भी हो सकते थे. बट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल टू बाइनोमियल. एंड इन द सेम वे जैसा हम बाइनोमियल टू बाइनोमियल करेंगे, उसी सेम प्रोसेस में आप ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल भी कर सकते हो, या उससे ज्यादा टर्म्स का भी मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं. हालांकि वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, but I will tell you how to do that type of question. So always remember, you have two brackets to solve here. You will be having two brackets where both the terms will be of either binomial or trinomial, depending on the question. So I have taken this question, which is belonging to NCERT book of question number 1. It is telling you how to multiply. So always remember, जब भी आप multiply solve करते हो बेटा, तो multiply में आप 4 into 3 solve करो या 3 into 4 सॉल्व करो, दोनों ही केसेस में आंसर आपको सेम मिलता है, दैट विल गिव यू 12. ठीक है? सो इन दैट वे व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, दैट मल्टीप्लिकेशंस आर ऑलवेज कम्युनिकेटिव. ठीक है? दे आर ऑलवेज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, व्हेन यू टॉक अबाउट कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, ऑलवेज रिमेंबर यू कैन चेंज द ऑर्डर इन मल्टीप्लिकेशन. सो व्हाट विल वी डू, अगर हमारे क्वेश्चन में आपको लगता है कि मुझे पहला वाला टर्म डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप सेकंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, और अगर आपको लगता है सेकंड वाला टर्म डिफिकल्ट है, तो आप पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो. नाउ लुक एट हियर, आई एम टेकिंग दिस नंबर, और यू कैन कॉल इट दिस एक्सप्रेशन टू सॉल्व. ठीक है? मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, तो आई एम टेकिंग दिस नंबर अहेड. सो व्हाट आई विल डू, दिस एक्सप्रेशन हैज टू टर्म्स, वन टर्म इज 2x, another term is plus 5. Once again telling you, this is written plus 2x. You can simply take it 2x plus 5 is the another term. So हम क्या करेंगे? 2x को लेंगे constant, एक बार इसको separate कर देंगे. So this is 2x. पहले इस 2x का multiply होगा इस पूरे term के साथ, that is 4x minus 3. बारी बारी से multiply करेंगे बेटा. ठीक है? So this is 2x will get multiplied by 4x minus 3 in one step. उसके बाद आपके पास इसका सेकेंड टर्म लोगे. सेकेंड टर्म क्या था? इंक्लूडिंग साइन. रिमेंबर, टेक इंक्लूडिंग साइन. सो दिस इज प्लस 5. सो यू विल टेक नाउ प्लस 5 एंड यू विल टेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेकेंड टर्म वंस अगेन 4x माइनस 3. टेल मी दिस स्टेप इज ओके और नॉट, बिकॉज दिस स्टेप इज ओनली इंपॉर्टेंट, रेस्ट अदर थिंग्स आर कम. क्लियर? हमेशा ब्रैकेट को ओपन करके करो एक एक स्टेप से. ठीक है? सो ये हो गया. अब तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया. अब आपको सिर्फ ओपन करना है ब्रैकेट. 2x से 4x मल्टीप्लाई होगा, व्हिच विल गिव यू 8x स्क्वायर. 2 से 3, व्हिच विल गिव यू 2 3 जस्ट 6x. इससे ये हो जाएगा आपके पास 20x, एंड लास्ट टर्म हो जाएगा आपके पास माइनस 15. दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. अब आपको क्या करना है, इस लास्ट स्टेप को देखना है कि क्या कोई ऐसा स्टेप है जो सॉल्व हो सकता है, लाइक मींस इफ डू यू हैव लाइक टर्म और नॉट, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. नाउ टेल मी व्हाट विल बी सॉल्व. वी कैन नॉट सॉल्व, राइट? करेक्ट. वी कैन सॉल्व दिस टर्म व्हिच इज अंडरलाइंड बाय बी, बिकॉज़ बोथ आर लाइक. सो इट विल गिव यू 8x स्क्वायर, 20 एंड 6 सॉल्व होगा, इट विल गिव यू प्लस 14x माइनस 15. This will be your complete solution for this particular question. Do you find it is tough or you find it easy? Rest of the students, let's try one more. Okay, this will be the last question of today. Let's try one more. Who have understood, will do it along with me. And who have not understood, please watch it once again. Well, I will take only one more question. A plus 3b and another term is x plus 5. जिनको समझ आ चुका है, please try this question. Y minus 8, 3y minus 4. ठीक है? Now please solve it.
I am explaining this both the questions once you see this. Now again, same thing. What will you do? I am taking one bracket which I like the most. So I am taking the first one only. So A will get multiplied by x plus 5. A multiply ho by pure term ke saath, that is x plus 5. Uske baad next term kya hai? Plus 3b. Along with the sign, do not forget the sign. Okay? So plus 3b is the second term, which I will also multiply with another term. So now you have got this. Now simply multiply this. A with x, ax. A with 5, 5a. You will multiply this one, it will give you 3bx. And last term will be multiplying 15b. Now in this answer, you will have all the terms written in unlike term. You will not be able to solve this question further. So, ये वाले का आंसर यहीं पर सॉल्व हो गया बेटा. You don't need any further solution for it. If you talk about this question, I am taking y minus 8 as a solving bracket. So, I will be taking first y will get multiplied by 3y minus 4. Now, next term is minus 8. So, we will have minus 8 again multiplied with 3y minus 4. Now, let's open the bracket. Y with 3y, which will give you 3y square. Y with 4, which will give you minus 4y. 8 with 3y, which will give you minus 24y. And the last step, 8 with 4, which will give you 32. Okay, now we have done it till here. Can you please tell me what answer I can write it down in the last step? Tell me. Yes. Plus 32. Plus. Okay. Rest of the things are correct, Anjali. Absolutely right. Now you can see minus 4y and minus 24y are like terms. So simply you will write it down 3y square. Minus 4y minus 24y will be added, which will give you minus 28y. And 32 was common, so plus 32 will remain like that as it is. So this is your complete answer. This exercise is easy. Please try this exercise as a work of today. And if you feel any question to be asked, you can ask in the next class.